सुकमा जिले का रहने वाला सहदेव मंगलवार की रात सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसका जगदलपुर के डीमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सहदेव अभी आईसीयू में भर्ती है। बताया जा रहा है कि उसे सिर में गंभीर चोट आई है। सिर में 8 टांके भी लगाए गए हैं, खून का थक्का जमा हुआ है। सहदेव अभी होश में है, परिजनों से थोड़ी बहुत बातें भी कर रहा है। इधर मशहूर रैपर बादशाह भी लगातार फोन पर सहदेव के स्वास्थ्य का अपडेट उनके परिजनों से ले रहे हैं। सहदेव के करीबी पिंटू मानिकपुरी ने बताया, एक्सीडेंट की खबर सुनकर मंगलवार की रात से लेकर बुधवार सुबह तक बादशाह ने 8 बार कॉल किया है, सहदेव का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी परेशानी या जरूरत हो तो सीधे परिजन उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में उनका इलाज कराया जाए, उनकी टीम पूरी मदद करेगी। साथ ही बादशाह की एक टीम रायपुर मुलाकात करने के लिए आ रही है। परिजनों ने बताया कि जगदलपुर डिमरापाल अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स और अस्पताल की स्टाफ लगातार पहुंचकर सहदेव की स्थिति देख रहे हैं, लेकिन खून का धक्का जमने की वजह से उन्हें रायपुर भी भेजा जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फोन के माध्यम से सहदेव दीदो का हालचाल जाना है। मंगलवार की शाम सहदेव अपने परिजनों के साथ बाइक पर सवार होकर निकले थे, इसी बीच दुर्घटना का शिकार हो गए, जिस वजह से उन्हें काफी चोटें आई है। वहीं एसपी और सुकमा कलेक्टर भी मौके पर पहुंचकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल को निर्देशित किए हैं। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।